देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने सांसद रमेश कौशिक के घर के बाहर ढोल बजाकर आवास पर प्रदर्शन किया, तो वहीं घरोंडा और इंद्री में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपना रोष प्रकट किया और सरकार से अपनी मांगों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की क्या मांगे हैं। दिवाली भत्ता देने की घोषणा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से। 1500 रुपए भत्ते की मांग आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से। आंगनबाड़ी हेल्पर्स को 750 रुपए भत्ता देने की मांग, तो वहीं वर्कर्स को कुशल और हेल्पर्स को अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए, ये भी मांग लगातार की जा रही है। मानदेय को महंगाई भत्ते में जोड़े जाने की भी मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही है। तो ये तमाम बातें, इसके साथ साथ जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से कहा जाता रहा है कि जो सहमति सरकार के साथ बनी, जिन मांगों को लेकर उनको सरकार लागू नहीं कर रही, इस तरह के आरोप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए जाते रहे हैं। प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में तस्वीरें अक्सर सामने आई हैं और लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से। अलग अलग नेताओं का घेराव किया जा रहा है और अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की, वो इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वर्कर्स को कुशल और हेल्पर्स को अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए। मानदेय को महंगाई भत्ते में जोड़े जाने की भी मांग लगातार की जा रही है और किस तरह से बर्तन बजाकर ढोल बजाकर विरोध किया गया आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा सोनीपत में। अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट करते हुए मांग यही है कि जो सहमति बनी है उनको लागू किया जाए। लगातार इस बात को दोहराती आई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इसी क्रम में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है हरियाणा में। अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में नेताओं के घरों का घेराव किया जा रहा है। ढोल और थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया सोनीपत में। सांसद रमेश कौशिक के आवास का घेराव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज किया। समान काम समान वेतन हो लागू, सरकार के खिलाफ इस दौरान रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी भी की जाती है और अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मांग यही है कि जो मांगों पर सहमति है और जो तमाम मुद्दे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से उठाए जा रहे हैं उनको पूरा किया जाए। अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया है, नतीजा क्या निकलेगा ये देखना है। तकरीबन 2 महीने का समय गुजर चुका है प्रोटेस्ट करते हुए। इसी क्रम में सोनीपत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट करते हुए नारेबाजी भी की गई। आरोप यही कि कई बार समस्या को उठाया गया है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है लेकिन समाधान नहीं हो रहा, और जब समाधान नहीं हो रहा तो इस क्रम में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा। ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी सोनीपत से, राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए। राम, करीब 60 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट का। सोनीपत में आज प्रोटेस्ट किया गया, अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। मांगे हमने दर्शकों को समझाई, क्या कुछ मांगे उठाई जा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से, क्या कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वो बताएं सबसे पहले। देखिए, जिस प्रकार से आज जो है अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया गया है, और करीबन अगर बात करें तो आज 66वें दिन भी लगातार प्रोटेस्ट जारी रहा, और आज अगर बात करें तो आंगनबाड़ी वर्करों का यही कहना है कि वे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार स्थानीय विधायक और सांसद हैं उनको लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन 3 से 4 बार ज्ञापन देने के बाद भी जो है ना सरकार पर और ना ही सांसद और ना विधायकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो ये सांसद हैं वो सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए जो है आज ढोल और जो है
चम्मच और प्लेट लेकर पहुंची थी और यहां पर जो है उन्होंने सांसद की आवाज का घेराव किया और वहां जमकर जो है ढोल बजाए और प्लेट और जो चम्मच है वो बजाए हैं। यहाँ पर काफी जो है प्रशासन की तरफ से पुलिस की मौजूदगी जरूर थी, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों ने एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट किया है और उनका यही कहना है कि समान काम समान वेतन के लिए जिस प्रकार से सरकार ने कहा था उसी के तहत वो अपनी मांग कर रही है और देश के प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार मन की बात में जो मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी उसी के तहत वो मांग कर रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, उस पर जो है वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। और सीधे तौर पर जो आज अगर बात करें तो शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है ढोल बजाकर अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर अलग अलग जिला स्तर पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और जिस प्रकार का ऐलान जो है अब आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा कर दिया गया है कि आने वाली 14 फरवरी को जो है करनाल में सभी आंगनबाड़ी वर्कर प्रदेश स्तर से इकट्ठी होकर करनाल में पहुंचेगी और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगी। और आज जो है सोनीपत में यहां सांसद है रमेश कौशिक, उसके आवास का घेराव किया है, करीबन कई घंटों तक उनके आवास का घेराव करके वहां पर ढोल बजाए हैं और प्लेट और चम्मच लेकर प्रोटेस्ट किया है। जी बिल्कुल राम, कहीं ना कहीं लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ गीता नागर आंगनबाड़ी नेत्री जुड़ गई हैं। गीता नागर जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। लगातार करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी ओर से ऐसी उठाई जा रही हैं जो सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही? हेलो जी, गीता नागर जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं गीता नागर सोनीपत से बोल रही हूँ जी। हमने जैसे 3 बार सांसद की कोठी का घेराव किया है, सोनीपत सांसद की कोठी का घेराव है और आज फिर ढोल नगाड़े बजाते हुए प्लेट चम्मच के साथ जो गुंगी बहरी सरकार है उसके कान खोलने के लिए अखजाग जाओ, जो ये बेटियां हैं ये 2 महीने हो गए, 3रा महीना शुरू हो गया है, ये रोड पे बैठी है, ये भी तो बेटियां हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार नारा दे रही है और ये बेटियां 2 महीने हो गए ये बैठी हैं, तो इनको भी देखो। तो हमने ढोल नगाड़ों के साथ और चम्मच प्लेट बजा के रमेश कौशिक जो हमारे सांसद है सोनीपत के, उनको उनके कान खोलने की तैयारी की थी और सरकार की भी। और फिर जैसे हमारा परसों 14 फरवरी का करनाल सीएम कोठी की का गिराव है सीएम सिटी का, और हम 52,000 हेल्पर वर्कर सभी वहां पे इकट्ठी होंगे और हमारा पड़ाव भी होगा जब तक मुख्यमंत्री जी हमारी जो घोषणाएं हैं जो उन्होंने लागू की घोषणा की है जब तक वो नहीं देंगे तो हम वहां से उस पर नहीं आएंगे। और हमारे सीएम साहब ने जो 1500-750 की बढ़ोतरी 2018 में की थी वो मन की बात में भी दिवाली का तोहफा दूंगा हेल्पर वर्कर को 1500 हेल्पर को 750, जब तक उन पे हमारी ये बात पक्की नहीं हो जाती है कि भई हमने लागू कर दिए हैं एड्रेस में दे दिया है तब तक हम वहाँ से उठकर नहीं आएंगे। गीता नागर जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, बिल्कुल आप लोगों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, लगातार आप सड़कों पर उतरी हुई हैं, लेकिन जो संख्या है वो करीब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर हैं जो प्रदेश भर में प्रोटेस्ट कर रही हैं। 52,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ऐसे में आंगनबाड़ियों पर भी तो काफी ज्यादा असर पड़ रहा है इन दिनों जी। ये तो सरकार ने देखो, हमने तो कोई ये मांग मांगी नहीं थी, सरकार ने खुद अपने मतलब उत्साह में भैया मैं आंगनवाड़ी वर्कर को 1500-750 हेल्पर को देता हूँ, ये अपनी मन की बात में हमारे पीएम साहब ने की थी और हमने तो ये मांग नहीं की थी। जैसे 2018 में धरने के दौरान लगा जैसे कुछ भी लगा लो और फिर हमारे जैसे मुख्यमंत्री ने है इन्होंने भी स्किल एंड स्किल्ड के उसमें बोला था कि भाई मैं ये आंगनवाड़ी वर्कर को हेल्पर को करता हूँ, तो हम ये जो तमाम मांगे हैं जो घोषित मांगे हैं हम उन्हीं को लेने के लिए 2 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। गीता जी, क्या लगता है आपको, क्यों सरकार मांगे नहीं मान रही आपकी ओर से? सरकार देखो बढ़ चढ़ कर बातें तो कर देती है, नारे तो दे देती है, अभी हम तो यही कहेंगे कि ये झूठी सरकार है जी। बेटियों को जो नारा दे रखा है ये भी झूठा नारा है, और जो भी या तो घोषणा करो मत, अगर जिस चीज की घोषणा करी है या उसको लागू भी करो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गीता नागर जी तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से, देखना है कि नतीजा क्या निकलकर सामने आता है आगे।